हेलो एवरीवन, लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो प्लीज उसे आप खोल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। इन फिगर 6.1 एक्चुअली फिगर आपको दिया हुआ है और ये है आपका फिगर। तो ये आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और अगर मैं इसको इस तरीके से, बेटा यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, तो फिर ये दोनों आपस में क्या बन जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी, है ना बेटा। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला जो एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। बताओ किस वजह से होगा? क्योंकि ये बन जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यदि मैं थोड़े समय के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो फिर बताइए क्या बन रहा है? बताइए, ये वर्टिकली बन रहा है अभी नहीं बन रहा। तो हम फिर क्या करेंगे, यदि मैं इस एंगल को इस एंगल में ऐड कर देता हूँ तो फिर ये दोनों एंगल जब मैं ऐड करूंगा टोटल हो जाएंगे 180। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी होगी मेरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। समझ में आ बेटा आप लोगों को? तो अभी फिलहाल जो है जो फिगर है वो मैं आपको बना के दिखा रहा था। इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर नहीं है आपका, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और वो एक दूसरे को जो है काट रही है। ठीक है, इसी में हल्का सा और मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, यहाँ से एक लाइन और ली गई है। ठीक है बेटा, तो कुल एंगल देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें से कुछ एंगल आपको दे देगा और कुछ आपसे पूछे जाएंगे। देखो कौन कौन से गिवन है, पहले गिवन देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। इसमें उसने बोला है कि एक लाइन जो आपका ए बी है, ये इसका ए एन है, ये इसका बी एन है, एक लाइन ए बी है और एक लाइन आपकी सी डी है। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पर। ये हुआ हमारा पॉइंट ओ। ठीक है बेटा, और ये अभी बात करेंगे कि ये ई है तो क्यों है, वो बुक में दिया होगा। कहता है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट है ओ, इतना आप चाहे तो गिवन में लिख सकते हैं। अन्यथा इफ, अब उसने बोला है यदि एंगल आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आप देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिगर ये बुक में आपको गिवन है ऑलरेडी, और ये मेजरमेंट भी गिवन है कि जो AOC है और BOE, देखो कहाँ है, ये है बेटा AOC, ये वाला एंगल प्लस BOE, ये वाला एंगल। अगर आप इस एंगल को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 70 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 70 डिग्री। एंड एक चीज और इसमें गिवन है, यहाँ पर आप लिखेंगे एंड स्पेस है तो उसी के आगे, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि BOD, देखो इसमें BOD भी कहीं ना कहीं होगा 40 डिग्री। तो BOD ये है बेटा, BOD ये 40 हमें डिग्री दिया हुआ है। तो हमारे पास ये वाला एंगल है, इन दोनों को ऐड करके मतलब हमें दिया है 70, और ये वाला भी एंगल हमारे पास ये। अब हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये आएगा टू फाइंड में। टू फाइंड मतलब हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है। कहता है फाइंड एंगल BOE, हमें एंगल जो है बेटा BOE निकालना है। ठीक है बेटा, एक तो हमें BOE का पता करना है, एंड रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर के बताऊंगा। एंगल COE मींस एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालना है और एंगल BOE निकालना है। ठीक है, तो BOE ये रहा आपका ना बेटा, BOE ये रहा, और एंगल इसमें ये BOE हमें दिया हुआ है, और एक हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये आएगा इसका सोल्यूशन। ओके, अब इसके सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले आप लोग ये लिख सकते हैं कि अगर हम देखें एंगल जो आपका AOC है, पहले मुझे बताना प्लीज़, एंगल AOC प्लस, देखो एंगल में ये तीनों एंगल ले रहा हूँ, सपोज करिए ये तीनों में एंगल ले रहा हूँ, तो एक का नाम है AOC, एक का नाम है COE, क्या नाम बेटा COE, एंगल आ जाएगा COE प्लस एक एंगल हमें दिया हुआ है लास्ट का देखेंगे बेटा BOE। थोड़ी देर में कुछ ये है नहीं, सपोज करिए ये नहीं है, तो अब आप देखिए ना बड़े आराम से, है ना बेटा। तो देखो इस प्रकार से हमने लीनियर पेयर में क्वेश्चन सॉल्व करे थे कि एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, जितने भी एंगल है सबको ऐड करके 180 हम कर दिया करते थे। ये है आपका BOE, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BOE इज इक्वल टू होगा बेटा 180 डिग्री। और क्यों होगा, इसका रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पता है ना बेटा आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या मेंशन वहां पे करेंगे। अब इसमें आप देखिएगा आपके पास जो है, देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है COE। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास AOC की वैल्यू है, शायद AOC तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ
एओसी प्लस बीओई, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, देखिए किसको, एओसी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको अच्छे तरीके से। हमारे पास एंगल एओसी प्लस एंगल, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, बीओई प्लस सीओई। आगे पीछे क्या, देखो कुछ भी मैंने अलग नहीं किया इसमें, आगे पीछे क्या है ओनली, उससे क्या हुआ कि मेरे पास यहां से यहां तक की मेजरमेंट गिवन है, क्योंकि एंगल एओसी प्लस बीओई हमारे पास कितना है 70 डिग्री गिवन है, तो यहां पर मैं दोनों के स्थान पर क्या लिख दूंगा बेटा 70 डिग्री लिख दूंगा। वेरी गुड, प्लस हमारा सेम रहेगा सीओई इज इक्वल टू 180। बेटा अब हमें एंगल सीओई निकालना आ जाएगा आराम से, क्योंकि हम उसको उधर भेज देंगे और आपका जो सीओई है ये एंगल आपका निकल जाएगा। तो सीओई इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा 180 माइनस 70 और फाइनली आपका जो आंसर है सीओई एंगल का वो आ जाएगा कितना बताइए मुझको, 110 मतलब 110 डिग्री आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा, लेकिन हमें जो है रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना था, ना कि सीओई निकालना था, फिर रिफ्लेक्स क्या होता है ये समझना होगा। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्स के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा करिए आप इतना हटा दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल ए क्या नाम था इसका बेटा, रिफ्लेक्स एंगल क्या था ये, सीओई का निकालना है। ठीक है, तो जो भी एंगल वैसे हमारा नेचुरली आता है, ठीक है, यदि उसको 360 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो आपकी जो मेजरमेंट निकल के आएगी उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा, सुन लीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो आपका 110 डिग्री का एंगल ये होता है, इस तरीके से होगा हल्का, है ना बेटा, क्योंकि 90 है, 90 के इधर का होगा। तो ये जो एंगल है ये तो आपका सिंपल एंगल सीओई है, लेकिन इसका जो बाह्य एंगल बनेगा ये वाला जो एंगल होता है इस वाले को बोल देते हैं रिफ्लेक्स। क्या करते थे बेटा इसको, रिफ्लेक्स। और टोटल ये जो गोला होता है कितना होता है बताइए मुझे, 360 का होता है भैया। अगर मैं इस गोले को गोला कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। 360 में से 110 डिग्री आपके पास है तो बाहर का निकालना है, तो रिफ्लेक्स मीन्स बाह्य जो एंगल है उसका वो कितना होगा, तो बेटा वो एंगल होगा 250, क्योंकि अंदर का एंगल तो हमारे पास है 110 डिग्री। ठीक है, बाहर का एंगल कितना है वो पता करने के लिए हमेशा 360 में से आपको जो एंगल मेजरमेंट गिवन है उसको सबट्रैक्ट कर देना है और आपके पास जो है रिफ्लेक्स एंगल जो सीओई हमें निकालना था उसकी मेजरमेंट आ जाएगी। ठीक है, जो भी मेजरमेंट आएगी उसको आप जो है एक डब्बे में बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बेटा बीओई। अब देखो बीओई कहाँ है, अब देखिए किस एंगल से होगा, क्या वहां पे लीनियर लगेगा या आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है, ये हमें देखना पड़ेगा, पहले फिगर को जज करना होगा। ठीक है, पहले फिगर आप पूरा कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से फिगर आपको गिवन है, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हर बार होगी, तो इस तरीके से हमें गिवन है। ठीक है, ये था हमारा सीडी और हमें ये एंगल निकालना बेटा, देखो ये वाला निकालना है ना, ये है ना बीओई, तो देखिएगा बीओई हमें निकालना है। तो क्या ये एंगल हम नहीं निकाल सकते थे, ये तो अब निकल ही जाएगा, नहीं निकलेगा, दिमाग लगाइए प्लीज, ये एंगल निकालना है अब हमें, तो किस तरीके से आप निकालेंगे बताइए। या तो आप ये कर लीजिएगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, बीओडी कितना पहले इसे हटाओ, थोड़ी देर के लिए इसे हटा दीजिए, इसे हटा दो, इसको भी हटा दो, ये है आपका एंगल ऑलरेडी 40 गिवन, दिमाग लगाइए कहां गिवन है, बीओडी कहां गिवन है 40 डिग्री, गिवन में देखना होगा, गिवन लिखा था आपने, एक बार देखो नोट करिए, गिवन में है बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, और सीओई आपने अभी निकाला था 110। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहां से हटा देता हूं तो मुझे आप बताइए क्या लीनियर पेयर नहीं बन रहा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बेटा, दिख नहीं रही लेकिन है स्ट्रेट लाइन, बुक में देखिए आप स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर इस तरीके से तीन एंगल बन रहे हैं, तो अब मैं देखो क्या लिखने वाला हूं। ठीक है, सिमिलर आप चाहे लिख सकते हैं ना, था आप लिखेगा डायरेक्ट सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू गिवन है आप लोगों को कितना बेटा 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इनमें से हमारे पास दो एंगल गिवन है, तीसरा निकालना है, तो सीओई तो आप निकाल चुके हैं 110, सीओई ये भी है लेकिन बेटा रिफ्लेक्स है, हम रिफ्लेक्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, रिफ्लेक्स जब बोलेंगे तब यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करते हैं उसको। प्लस में आपका आएगा बीओई, हमें खैर फाइंड आउट करना था तो इसे छोड़ देते हैं सेम, और ये हमें 40 डिग्री गिवन है,
संधारणा बेटा लीनियर पेयर आपको बनाना था दोनों में, एक बार ये सीधा लीनियर पेयर बनाना था, एक बार इस लाइन से लीनियर पेयर बनाना था, ठीक है। जब आपने इससे बनाया था एबी वाली लाइन से, तो वहां पर आप लोगों को निकल के आ गया था COE, और जब आप लोग CD को लीनियर पेयर बना रहे हैं मान के, ठीक है बेटा, तो फिर आप लोगों का BOE निकल के आ रहा है। तो 110 में आपने 40 ऐड करी, कितना हो गया 150 प्लस एंगल U हो जाएगा, BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो एंगल BOE कितना आ गया बताइए मुझे आप लोग, 180 में से यदि 150 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा आपके पास बेटा 30 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 6.1 का अब आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए प्लीज।